परमार्थम हिमालयन सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास संस्था निहार खन बासला ने ब्रह्मपुकुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में 80 लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के अध्यक्ष शैलेंद्र भड़ोल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी संस्था समय पर अलग अलग जगह पर ऐसे रक्तदान शिविरों का आयोजन करती थी ताकि हर स्थान पर लोग रक्तदान के लिए जागरूक हो सके, परंतु लॉकडाउन के चलते अब सरकार के आदेशों की पालना करते हुए वे इन शिविरों का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते ब्लड बैंक बिलासपुर में भी रक्त की कमी हो गई है। ब्लड बैंक बिलासपुर में जितनी रक्त की जरूरत है उतने रक्तदाता वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई थी। इस कमी को देखते हुए संस्था ने ब्रह्मपुकुर में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें संस्था के सदस्यों के अलावा क्षेत्र के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 80 लोगों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर के बाद ब्लड बैंक बिलासपुर में काफी हद तक रक्त की कमी दूर हो जाएगी। इस रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर दीक्षा शर्मा की अगुवाई में किया गया। डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने इस रक्तदान शिविर के दौरान शिविर में आए सभी लोगों की पहले थर्मल स्कैनिंग की और सही पाए जाने के बाद उनका रक्त लिया। मैं ठाकुर शैलेंद्र भड़ोल, अध्यक्ष परमार्थम हिमालयन सांस्कृतिक एवं समाज संस्था। आज हमारी संस्था के द्वारा एक बहुत बड़े आयोजन का आयोजन किया गया, एक बहुत बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक करीब 75 या 76 युवाओं ने रक्तदान किया है। मैं जितने भी हमारे युवा है वो आज के इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं सभी युवाओं से और सामाजिक संस्थाओं से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भी हमारी संस्था की तरह ऐसे रक्तदान शिविरों का आयोजन करें, ताकि जितने भी हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल है या कोई और भी संस्थाएं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना काम करती है, उनमें खून की कमी ना आए। और इस पुण्य कार्य के लिए मैं चाहता हूं कि हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और हमारी संस्था में ऐसे भी रक्तवीर हैं जो 35 और 36वीं बार आज रक्तदान कर चुके हैं। मैं खुद 35वीं बार 35th बार रक्तदान कर चुका हूँ। डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने बताया कि इस रक्तदान शिविर के दौरान लॉकडाउन के चलते सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया। इस शिविर के दौरान सभी लोगों को मास्क लगाए गए तथा सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। सभी लोगों के हाथ धुलवाए गए तथा सभी नियमों का सख्ती से पालन किया गया। मेडिकल ऑफिसर रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर से हम लोग यहाँ आए हैं। ब्लड कैंप यहाँ लगा हुआ है सुबह से ब्रह्मपुकुर में, और जगह जगह से लोग जो हैं बिलासपुर के यहाँ पे अपना ब्लड की डोनेशन के लिए आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम है। और ये जो ब्लड कैंप है, ये एक संस्था है बेसिकली परमार्थम करके, जिनके अध्यक्ष यहाँ पे हर साल कहीं ना कहीं जगह जहाँ पे वो ढूंढते हैं और वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके कैंप लगाते हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है। और आप सबसे भी अनुरोध है कि जिनको भी ऐसा लगता है कि उनको अपना ब्लड दे के उनको उनके शरीर में कमजोरी आएगी, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ब्लड दान करना बहुत ही अच्छा काम है। और आप लोगों को, आपके अपने लोगों को कई बार अस्पताल में ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस वक्त हम लोगों को ब्लड अवेलेबल कराना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोग इस तरह से आगे आएंगे और अपने ब्लड को डोनेट करेंगे, तो आप ही के लोगों को कल को फ़ायदा होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी कभी ब्लड कैंप लगता है, तो अपने प्रधान से और आसपास की जो भी आपकी संस्थाएं आपके गांव में हैं, उनसे पता करिए कि कहां ब्लड कैंप लग रहा है, और आप आगे आइए और इस काम में हम लोगों की मदद कीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों की मदद बाद में कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल हम लोगों को देखने को मिल रही है कि लॉकडाउन के दौरान भी हम लोग जो है ब्लड कैंप जो है लगा रहे हैं, तो इसमें जो है सरकार का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि सरकार ने हम सबको एक गाइडलाइंस दी है कि हम लोगों को थर्मल स्कैनिंग करके लोगों को अंदर अनुमति देनी है। फिर जब भी आप लोग ब्लड कैंप में आइए, तो अपनी जो भी सरकार की जो गाइडलाइंस है कि उचित दूरी बनाएं, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क पहनें, लोगों जब भी आप हम लोग ब्लड जैसे हम ब्लड डोनेशन भी कर रहे हैं, तो हम लोग उचित दूरी का पालन कर रहे हैं और लोग हमारे साथ इस चीज़ में हमारी मदद भी कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि कोरोना के जो भी ये वक्त चला है, उसमें आप लोग भी अपनी सहायता हमारी सहायता करें और कोरोना से हम लोगों को लड़ने में हमारी मदद करें।